ऊपर गोरी सौतन, नीचे काली बहू का भाई दूज। बस अब बहुत हुआ, अब मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। बिना किसी गलती के आज तक मैंने इतना सब कुछ भुगता है, लेकिन अब नहीं। ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है कि मैं अपनी जान दे दूं। हाँ हाँ, तो इसमें इतनी सोचने वाली क्या बात है, ये रही ग्रिल और कूद जा ऊपर से कम हमारी जिंदगी का कांटा तो हट जाएगा। तुमने जो किया वो सही नहीं किया, भगवान तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करेगा। उसके घर देर है अंधेर नहीं, वो तुम्हें जरूर सजा देगा। अगर तुम्हारा ये प्रवचन हो गया हो तो तुम अब अपनी जान दे सकती हो। वो क्या है ना, हमारा टाइम बहुत ज्यादा कीमती है, तुम जैसी के लिए अपने टाइम की बर्बादी नहीं कर सकते। प्रज्ञा चौथे माले की ग्रिल के पास खड़ी होती है। प्रज्ञा की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, प्रज्ञा की तो मानो जिंदगी खत्म हो चुकी थी। प्रज्ञा को अपने सामने से एक ही रास्ता दिख रहा था जो मौत का था। प्रज्ञा उस ग्रिल से कूदने वाली होती है कि तभी वहां रोशन नाम का लड़का आता है और प्रज्ञा को जोर से आवाज देते हुए रोकता है। रुक जाओ प्रज्ञा, ये तुम क्या कर रही हो, एक कदम भी अपने आगे मत बढ़ाना। मैं जो कर रही हूँ वो बिल्कुल सही कर रही हूँ, अब मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं बचा। प्रज्ञा भगवान के लिए वहीं रुक जाओ, अगर तुम यहाँ से कूदी तो तुम बच नहीं पाओगी। बचना किसको है, मेरी जिंदगी तो अब खत्म हो चुकी है, मेरा अब कोई नहीं इस मौत के अलावा। इतना कहकर प्रज्ञा ग्रिल पर खड़ी हो जाती है और कूदने के लिए अपना कदम बढ़ाने लगती है। आखिरकार प्रज्ञा की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था जो आज उसे इतना बड़ा कदम उठाना पड़ रहा था। कौन था ये रोशन जो उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। इतना बड़ा कदम उठाने के पीछे आखिरकार क्या कारण था, इसे जानने के लिए हमें तकरीबन 2 महीने पीछे जाना होगा। मम्मी आज तो आपने बहुत अच्छा सैंडविच बनाया है। ये लो तुम और खाओ, मैं तब तक तुम्हारे पापा को चाय देकर आती हूँ। चाय का कप लिए प्रज्ञा अपने कमरे में जाती है। ये सफेद शर्ट क्यों पहनी है, मैंने आपके लिए काले रंग की शर्ट प्रेस करके रखी थी। जिंदगी में तेरी वजह से क्या कम अंधेरा है जो मैं ये काले रंग के कपड़े पहनना भी शुरू कर दूं। तो मनहूस से शादी करके मेरी जिंदगी और अंधेरे में चली गई है। अपने पति अंशुमन की ऐसी बातें सुन प्रज्ञा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दरअसल अंशुमन और प्रज्ञा की शादी अंशुमन की स्वर्गवासी माँ माला ने करवाई थी। प्रज्ञा रंग रूप से काली थी, लेकिन माँ के दबाव के कारण अंशुमन को प्रज्ञा से शादी करनी पड़ती है। माला के गुजर जाने के बाद अंशुमन प्रज्ञा से काफी नफरत करने लगा था। अंशुमन प्रज्ञा को इस घर में सिर्फ अपने बेटे की वजह से रहने दे रहा था। ऐसे ही समय गुजरता है। प्रज्ञा हर रोज की तरह हॉल में बैठकर अपने बेटे चिराग का स्कूल का होमवर्क करवा रही होती है कि तभी घर की डोर बेल बजती है। प्रज्ञा जैसे ही घर का दरवाजा खोलती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। प्रज्ञा के सामने उसका पति अंशुमन एक गोरी लड़की के साथ हाथों में हाथ डाले शादी के जोड़े में खड़ा था। ऐसे क्या देख रही है, चल हट हमारे रास्ते से। अंशुमन ये सब क्या है, आप कोई मजाक कर रहे हैं ना मेरे साथ, बोलिए ना ये जो मैं देख रही हूँ वो सच नहीं है। जो तुझे देख रहा है वही सच है, आखिरकार मैं कब तक तुझ जैसी काली के साथ रहकर अपनी जिंदगी बर्बाद करता। इससे पहले प्रज्ञा अंशुमन को कुछ कहती है, अंशुमन उस गोरी लड़की का हाथ पकड़े अपने कमरे में चला जाता है। बेचारी प्रज्ञा दरवाजे पर ही अपने घुटने टेक रोने लगती है, जिससे बेटा चिराग उसके पास आता है। माँ क्या हुआ आपको, आप ऐसे रो क्यों रही हो, और मौसी मुझसे बिना मिले ही क्यों चली गई? पापा ने उनसे शादी कर ली, इसका मतलब अब मैं मौसी को भी आपकी तरह माँ कहकर पुकारूंगा। तुम्हारी माँ सिर्फ मैं हूँ। अंशुमन ने जिस गोरी लड़की से शादी की थी वो गोरी लड़की कोई और नहीं बल्कि प्रज्ञा की छोटी बहन चांदनी ही थी। अपनी ही गोरी बहन को अपनी सौतन बनता देख प्रज्ञा की तो मानो जैसे सारी दुनिया ही उजड़ गई हो। अंशुमन डार्लिंग, हमारे कमरे में इस काली कलूटी का सामान क्यों रखा हुआ है, इसका सामान बाहर निकाल फेंको। मेरी जिंदगी में आकर मेरे पति को मुझसे छीन लिया और अब मेरे कमरे से मेरा सामान बाहर निकालने की बात करियो, तुम जैसी बहन तो बहन के नाम पर कलंक है। प्रज्ञा जबान संभाल कर बात करो, बोलो मत, अब ये तुम्हारी बहन नहीं बल्कि मेरी पत्नी है। आज के बाद तुम यहाँ ऊपर नहीं बल्कि नीचे रहोगी। सिर्फ चिराग की वजह से मैं तुम्हें नीचे वाले घर में रहने की इजाजत दे रहा हूँ, वरना चांदनी के आते ही मैं तुम्हें कब का धक्के मारकर बाहर निकाल देता। अंशुमन की बातें सुन प्रज्ञा कुछ नहीं कह पाती और अपना सामान लेकर अपने बेटे के साथ नीचे रहने के लिए चली जाती है। अब जहां एक मकान में नीचे काली बहू रह रही थी वहीं ऊपर उसकी गोरी सौतन रहने लगती है। ऐसे ही कुछ समय गुजरता है और भाई दूज का त्योहार आने वाला होता है। माँ माँ, मुझे टीचर ने भाई दूज पर ऐसे लिखने के लिए कहा है, मेरी थोड़ी मदद करो ना। ठीक है बेटा, लिखो कि भाई दूज के दिन प्रज्ञा अपने बेटे चिराग का भाई दूज पर ऐसे लिखने में मदद कर रही होती है कि तभी। माँ आप भी तो हर साल मामा के साथ भाई दूज बनाती हो, तो क्या इस साल नहीं बनाओगी? इस साल मामा मौसी के साथ भाई दूज मनाएंगे। मामा जी भी मौसी जी की तरह बुरे बन गए और हमें छोड़ दिया।
नहीं चिराग बेटा, ऐसा नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी मैं भैया के साथ भाई दूज जरूर बनाऊंगी। मुझे हर कोई छोड़ सकता है लेकिन मेरे भैया नहीं। ये कहते हुए प्रज्ञा की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरते हैं। दो दिन बाद भाई दूज आने वाला होता है और जिसके चलते प्रज्ञा अपने बेटे चिराग के साथ भाई दूज के पकवान बना रही होती है। माँ, आप इतनी सारी मिठाइयां पकवान मामा जी अकेले बना रही हो ना, उन्हें ये सब बहुत पसंद है। हाँ मेरे राजा बेटे, दो दिन बाद भाई दूज है ना, इसलिए मैं ये मिठाई और नमकीन पकवान बना रही हूँ। भैया को ये सब बहुत पसंद है। हम जल्दी से बाजार चलेंगे और तुम्हारे मामा जी को भाई दूज पर देने के लिए गिफ्ट खरीदने चलेंगे। गिफ्ट का नाम सुनकर चिराग खुशी के मारे उछलने लगता है और अपनी माँ की थोड़ी बहुत मदद भी करता है। प्रज्ञा नीचे चिराग के साथ हंसी खुशी थी कि तभी वहाँ प्रज्ञा की गोरी सौतन चांदनी आती है। हाँ हाँ बना लो ये पकवान, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। अब तक इस घर में सिर्फ तुम भाई दूज बना रही थी, लेकिन अब से इस घर में सिर्फ मेरा भाई दूज बनेगा, तुम्हारा नहीं। चांदनी की ऐसी बातें सुन प्रज्ञा को बहुत दुख पहुंचता है, लेकिन वो बेचारी कर ही क्या सकती थी। ऐसे ही दो दिन गुजरते हैं। आज भाई दूज का त्योहार होता है, जहां काली बहू भाई दूज के दिन सुबह सुबह उठकर नहा धोकर तैयार होती है और आरती की थाली तैयार कर अपने भाई के आने का इंतजार करती है। आप यहाँ नीचे क्या कर रहे हो? चलो ना हम ऊपर चलते, ऊपर से ग्रिल से हम मामा जी को देखेंगे। चिराग की बात मान प्रज्ञा ऊपर ग्रिल पर चली जाती है कि तभी प्रज्ञा की सौतन चांदनी महंगी सी साड़ी ढेर सारे गहने पहनकर हाथों में सुंदर सी आरती की थाली ले आती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमसे कहा गया था ना कि तुम यहाँ ऊपर अपना कदम भी नहीं रखोगी। आज भाई दूज है ना, इसीलिए मम्मी मेरे साथ मामा का इंतजार कर रही है। क्या कहा तुमने? तुम भी भाई दूज बनाओगे इस बार? और प्रज्ञा तुम कितनी ज्यादा बेवकूफ हो, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम भाई दूज कैसे बना सकती हो? तुम्हें क्या लगता है भैया तुमसे प्यार करते हैं? बचपन से लेकर आज तक उन्होंने हर चीज में मुझे आगे रखा, मुझसे प्यार किया। और मैंने तो सुना है कि तुम्हारी काफी समय से भैया से कोई बात भी नहीं हुई है। मैं तो उनसे रोज बात करती हूँ। अब तुम इसी चीज से अंदाजा लगा सकती हो कि भैया के दिल में तुम्हारे लिए बिल्कुल भी प्यार नहीं है। चांदनी की ऐसी बातें सुन प्रज्ञा अब काफी बुरी तरीके से टूट जाती है। और ये वही पल था जब प्रज्ञा अपना सब कुछ खो बैठी थी और अपनी जान देने के लिए जा रही थी। ग्रिल से कूदने ही वाली थी कि तभी रोशन प्रज्ञा का हाथ पकड़कर उसे खींच लेता है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? अगर मैं एक सेकंड भी लेट होता तो तुम यहाँ से गिरकर मर सकती थी। अपना नहीं कम से कम अपने बेटे चिराग का तो सोच लेती। मैं क्या करूँ, मेरे साथ जो हुआ ऐसा तो किसी दुश्मन के साथ भी नहीं होना चाहिए। भैया क्या हुआ है मेरी बहन, जो तू ये कदम उठा रही है? रोशन कोई और नहीं बल्कि प्रज्ञा और चांदनी का भाई था। अपने भाई के पूछने पर प्रज्ञा अपने साथ हुई सारी नाइंसाफियों से बताती है। अरे भैया आप क्यों इस काली कलूटी के साथ अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? चलिए हम भाई दूज का त्योहार मनाते हैं। ये देखिए मैं तो आपको गिफ्ट में देने के लिए आपकी मनपसंद घड़ी भी लेकर आई हूँ। इतना कहकर चांदनी जैसे ही अपने भाई रोशन का हाथ पकड़ती है तो रोशन उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है, जिसे देख प्रज्ञा चांदनी और अंशुमन काफी हैरान होते हैं। भैया आपने मुझे थप्पड़ मारा? ये थप्पड़ तो मुझे बहुत पहले ही उठा देना चाहिए था। तू छोटी थी इसीलिए मैंने तुझे हमेशा ज्यादा लाड़ प्यार किया, तेरी हर ख्वाहिशों को पूरा किया। लेकिन मैं नहीं जानता था कि मेरी ये गलती इस दिन को अंजाम देगी। मैं तुझे ज्यादा प्यार करता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तेरी की हुई गलतियों पर मैं पर्दा डालूंगा। एक बहन होकर तुम एक बहन की जिंदगी कैसे उजाड़ कर सकती हो? थू, ऐसी बहन पर। प्रज्ञा तुम्हारा भाई अभी जिंदा है, तुम्हें और चिराग को इस नरक में रहने की कोई जरूरत नहीं है। आज के बाद तुम दोनों मेरे साथ रहोगे। रोशन प्रज्ञा चिराग का हाथ पकड़ता है और उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने घर ले आता है, जिसके बाद प्रज्ञा आंखों में खुशी के आंसू लिए अपने भाई के साथ भाई दूज का त्योहार मनाती है। वहीं चांदनी को भी अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन यह एहसास इतनी देरी से हुआ था कि अब वह चाहकर भी कुछ नहीं बदल सकती थी। कहते हैं एक बहन दूसरी बहन की परछाई होती है, लेकिन एक बहन ही अपनी बहन की सौतन बन सकती है, ऐसी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही क्या आप भी हमारी स्टोरी से रिलेटेड किसी ऐसे ही बहन को जानते हैं जिसने अपनी सगी बहन का घर तोड़ा हो, तो हमें ये भी बताइए।